देख देख हरियाली, चिड़िया की बेटी कैसे अनजान पक्षी के साथ गप्पे लड़ा रही है। हाँ गौरी, है तो गुड़िया ही, क्यों ना हम इनके पास चल के देखें। मैं नहीं जाऊंगी, अब तो सीधे रानों से ही बात होगी, वो बड़ी अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकती। फिर गौरी कभी तुरंत ही रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, गुड़िया को स्कूल भेजना बंद कर दे, मुझे तेरी बेटी के चाल चलन अच्छे नहीं लगते। आप ऐसी बातें क्यों करती हो गौरी, मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। धरे के धरे रह जाएंगे सब संस्कार जब गुड़िया दूसरे जंगल के पक्षी के साथ भाग जाएगी। आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, आखिर आपकी भी तो एक बेटी है, फिर आप मेरी गुड़िया के बारे में ऐसा क्यों बोलती हो। रानो, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है, जब तेरी बेटी पूरे जंगल की नाक कटवा देगी फिर याद करना गौरी ने क्या कहा था। गौरी कभी इस तरह से रानो को खूब सुनाकर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी का समय हो जाता है। गौरी कभी की बेटी कोकी और गुड़िया स्कूल से लौट रही थीं। गुड़िया चल जल्दी, आज मुझे गट्टू कौवे ने पिज्जे की दुकान पे बुलाया है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कोकी, मैं नहीं जाने वाली, मम्मा ने किसी अनजान के साथ खाने पीने को मना कर रखा है। गुड़िया, तू यहाँ भी मम्मा की बात लेकर बैठ गई, अब चल जल्दी से मेरे साथ वरना मुझे लेट हो जाएगा। कोकी गुड़िया को सोचने का मौका नहीं देती और उसका बैग उठाकर भाग जाती है, फिर गुड़िया को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। खा ले गुड़िया, तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे पिज्जे के रुपए तुझे ही देने हैं। मैंने खा लिया कोकी, अब जल्दी से घर चलो। फिर वह दोनों पिज्जा खाकर अपने अपने घर चली जाती हैं। कोकी, आज आपने इतनी देर कहाँ कर दी। अपनी मम्मा की बात सुनकर कोकी घबरा जाती है। मम्मा, आज वो गुड़िया ने रास्ते में कुछ खरीदा था, बस उसी के चक्कर में लेट हो गई। मैंने कितनी बार कहा है उस गुड़िया से दूर रहा कर, पर तू भी मेरी बात नहीं सुनती। आइंदा उस गुड़िया के साथ तुझे देख ना लूं। इस तरह से गौरी कभी कोकी पर बहुत गुस्सा करती है। अगले दिन गुड़िया कोकी को बुलाने घर आती है। क्योरी गुड़िया, तैयार तो ऐसे होके आई है जैसे अपने पापा की शादी में जा रही हो, आज तो चली जा, आज के बाद मेरी बेटी के साथ दिख मत जाना। गुड़िया कुछ नहीं बोलती, फिर कोकी के आते ही वो स्कूल चली जाती है। गौरी और लूसी कबूतरी सब्जी लेने बाजार जाती हैं। रास्ते में गौरी कभी तो बस गुड़िया की ही चुगली किए जाती है। एक नंबर की फरानिया लगती है मुझे, ऊपर से सुरख लाल होट, मैंने तो मना कर दिया आज। सो तो है गौरी, रानो गुड़िया को जरा भी नहीं डांटती। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थीं। रानो चिड़िया उनके पीछे पीछे सारी बातें सुन रही थी। लूसी बहन, आप भी मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करती हो, गौरी का तो मुझे पहले से ही पता था। रानो, तुम्हें हमारी बात बेशक बुरी लगे, परंतु गौरी एकदम सही कहती है, आखिर गुड़िया इतना सस सवर के स्कूल क्यों जाती है। लूसी, जब गुड़िया का जन्म हुआ था तब आप तो थी मेरे घर और आप ही ने कहा था, रानो बेटी बेशक हुई हो पर चांद सी सूरत है इसकी। अब आप भी गौरी की बातों में आकर झूठ बोलती हो। मेरी बेटी कुछ नहीं लगाती, वो जन्म से ही सुंदर है। लूसी के बोलने से पहले ही गौरी कभी बोल पड़ती है। जब बात अलग थी, छोटी बच्ची थी जब वो, लेकिन अब मैं कहती हूँ कोई अपने जैसा गरीब पक्षी देखकर उसकी शादी कर दे, अगर ये भी खुद ने कर लिया तो सारे जंगल के पक्षी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। गौरी, आपकी कोकी भी तो मेरी गुड़िया के संग की है, फिर आप क्यों नहीं कर देती उसकी शादी। मेरी बेटी के पिता, मामा, भैया सब हैं, तुम्हारा कौन है जिसका गुड़िया डर करेगी, हमारी ही बदनामी कराएगी तेरी गुड़िया। ऐसे बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। रानो तो बस रोए जा रही थी, वो उदास मन से अपने घर आती है। मम्मा, आप इतना उदास क्यों हो, कुछ हुआ है। नहीं गुड़िया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बताएं स्कूल में दिन कैसा रहा। बहुत अच्छा मम्मा, आज मैंने टेस्ट में पूरे 20 में से 20 नंबर लिए, टीचर ने मुझे खूब शाबाशी दी। ऐसे ही मन लगा कर पढ़ाई करना मेरी बच्ची।
हमेशा बुरे कामों से दूर रहना और पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करना। रानो ऐसे अपनी बेटी को समझा रही थी। और गोरी कब्बी तो हरियाली से चुगलियों में व्यस्त थी। ऐसे ही समय बीतता है। अब गुड़िया कोकी अलग अलग स्कूलों में जाने लगी थी। कोकी की गट्टू कब्बे के साथ की हुई दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वह दोनों नदी किनारे छिप छिप कर बातें कर रहे थे। गट्टू, शादी तो मैंने आपसे ही करनी है, जल्दी से कुछ सोचो वरना मम्मा मेरी शादी कहीं और तय कर देगी। कोकी, आपको तो पता है मेरे पास कुछ नहीं, घर नहीं है, मैं तो यहाँ किराए पर रहता हूँ, फिर आपको लेकर कहाँ जाऊँगा? दूर, हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे, परंतु इतने दिनों की दोस्ती को मैं टूटने नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया, हम आज ही जंगल छोड़कर दूर चले जाएंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों शादी करके जंगल छोड़ जाते हैं। इधर गोरी कव्वी तो बहुत खुश थी क्योंकि आज वो कोकी का रिश्ता पक्का करके जो आई थी। रानो, मैंने तो अपनी बेटी का रिश्ता एक अमीर खानदान में कर दिया है, तुम बैठी रहो पंख पे पंख रखे। ऐसी बात नहीं है गोरी, कुक्कू की पढ़ाई खत्म होते ही मैं भी भला पक्षी देखना शुरू करूंगी। तू क्यों करेगी इसके शादी, तूने तो कसम खा रखी है पूरे जंगल की नाप कटवाने की। ऐसे सुनाकर गोरी कव्वी फिर से चली जाती है। मम्मा चिड़िया फिर से उदास हो जाती है। गोरी कोकी को खुशखबरी सुनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन कोकी को शाम हो जाती है परंतु वो घर नहीं लौटती। जग्गू के पापा, कोकी आज घर नहीं लौटी, जरा चल के देखें स्कूल में। फिर वह दोनों स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ तो ताला लगा था। वो सब जगह खोजते हैं। फिर मंदिर के पुजारी पक्षी से उन्हें सब पता चलता है, कैसे वो दोनों शादी करके चले गए। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई कालू जी, आखिर मेरी बेटी ने ही नाक कटा दी। गोरी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, आखिर हमारी बेटी हमें छोड़ के चली गई। धीरे धीरे बात जंगल में फैल जाती है और गोरी कव्वी की चर्चा होने लगती है। गोरी, आप तो हमेशा ही गुड़िया के बारे में भला बुरा बोलती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। हाँ, तुम्हारी बेटी ने पूरे जंगल में हमारी बदनामी करा दी, अब दूसरे जंगल के पक्षी हमें जीने नहीं देंगे, हमेशा ताना मारेंगे, इनके जंगल की बेटी भाग गयी। गोरी तो किसी से कुछ नहीं बोलती, बस सबकी सुने जा रही थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। तभी कोकी की खबर सुनकर रानो चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, कभी अपने खुद के घर में भी ध्यान दिया होता, अब पता चला दूसरों के बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दूसरों के घरों में झांकने से पहले खुद के घर में भी देखना चाहिए। आपका धन्यवाद। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षियों को डर था कि इस घनघोर बारिश में उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। लूसी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इस तेज तूफान में हमारा घोंसला ही ना टूट जाए। कबूतर जी, अगर हमारा घोंसला टूट भी जाए तो आप मुन्ने का साथ ना छोड़ना, उसे कसकर पकड़ के रखना। कालू जी, लगता है आज हम पक्षियों की कहर की रात है, तभी तो ये तेज तूफान और बारिश बढ़ते ही जा रहे हैं। गोरी, चुपचाप घोंसले में बैठी रहो, ऐसे बातें करके मुझे और मत डराओ, मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ हूँ, जब से बुलबुल के घोंसले टूटने की खबर मिली है, और मुझे अब अपने घोंसले का डर लग रहा है। ना कालू जी, हमारे घोंसले को तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने काली घास के तिनके मिलाकर घोंसला बनाया है और काली घास के तिनके बहुत मजबूत होते हैं। गोरी, मुझे माफ कर दो, तेज गर्मी के कारण मैं काली घास को नहीं ढूंढ सका और यूं ही पीली घास से घर बना दिया। क्या कहा आपने, काली घास के तिनके भी नहीं मिलाए? अब तो हमारा घोंसला जल्दी ही टूटेगा, जी तो करता है कि अभी तुम्हें घोंसले से बाहर निकाल दूं। गोरी, अगर हमारा घोंसला टूट गया तो हम टूनी चिड़िया के घर चले जाएंगे, उसका घोंसला बहुत मजबूत है, उसने पूरा घोंसला काले तिनकों से बनाया है।
इस तरह से कालू गोरी तो बहुत परेशान हो रहे थे और इधर टोने चिड़िया सुकून से अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अच्छा हुआ जो मैंने पूरा घोंसला काली घास के मजबूत तिनकों से बनाया। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से अपने अंडे के साथ रह सकती हूँ। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी, फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया के घोंसले पर कबूतर का परिवार आता है। अरे कबूतर भैया, क्या हुआ और आप रो क्यों रहे हो? और लूसी बहन कहाँ है? चिड़िया बहन, एक तेज हवा के झोंके से हमारा घोंसला उड़ गया। मैंने मुन्ने को तो कस के पकड़ लिया, परंतु लूसी नीचे पड़े पत्थर पर जा गिरी और वो खून से लथपथ है। इतना कहकर कबूतर और मुन्ना जोर जोर से रो पड़ते हैं और चिड़िया तो समझ जाती है कि लूसी अब इस दुनिया में नहीं है। आप रोइए मत और घोंसले के अंदर आ जाइए, वरना कोई टहनी आपको लग जाएगी। चिड़िया बहन, कहीं हमारे वजन से आपके घोंसले को कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं, मेरा घोंसला इतना भी कमजोर नहीं है, वो हम सबके वजन को झेल लेगा। अब आप अंदर आइए। फिर कबूतर अपने बेटे को लेकर चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। कालू जी, हमारा घोंसला तो जोरों से हिल रहा है, लगता है ये अब टूटने वाला है। हाँ गोरी, अगर अपनी जान बचानी है तो अभी इस घोंसले से भागो, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। काम चोर कालू कहीं के, अगर काली घास के मजबूत तिनके लिए होते तो घोंसला इतनी जल्दी नहीं टूटता। गोरी, अब मेरा पीछा छोड़ भी दो और यहाँ से बाहर निकलो, फिर बाद में मत कहना कि मुझे चोट लग गई। वो दोनों अपने घोंसले में से निकलकर बैठे ही थे कि तभी उनका घोंसला बीच में से टूटकर गिर जाता है। अब क्या इस टूटे घोंसले में रहने का इरादा है? अब चलो टोनी चिड़िया के पास। फिर वो दोनों भी तेजी से उड़ते हुए चिड़िया के घोंसले पर चले जाते हैं। अरे कालू गोरी, क्या आपका भी घोंसला टूट गया है? हाँ चिड़िया, परंतु आपको कैसे पता कि हमारा घोंसला टूट गया और अब हम दोनों आपके घोंसले में रहने आए हैं? अब जल्दी से हमें अंदर ले लो। फिर चिड़िया कालू गोरी को भी घोंसले के अंदर बुला लेती है। ओए कबूतर, क्या तेरा घोंसला भी टूट गया है जो चिड़िया के घर में हो? हाँ गोरी कभी, हमारा घोंसला तेज हवा में उड़ गया और लूसी जी हमें छोड़कर चली गईं, उनकी मौत हो गई। अरे रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ जो लूसी बहन की मौत हो गई। अभी तो मुन्ना छोटा है, बेचारा अपनी मम्मा के बिना कैसे रह पाएगा। गोरी, मैं अपने बेटे का पूरा ध्यान रखूंगा, उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। ऐसे बातें कर वो सभी चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया उनसे कहती है, साथियों आप ये दाना खा लो, आप सबको भूख लगी होगी। हाँ हाँ टोनी चिड़िया, क्यों नहीं, भूख तो बड़ी तेज लगी है हमें। अच्छा किया जो आपने पहले से ही भोजन जमा कर लिया। कालू और गोरी कव्वी तो बिना कुछ सोचे समझे ही चिड़िया का दाना खाने लगते हैं, परंतु कबूतर दाना नहीं खाता। कबूतर भैया, आप भी दाना खा लो और मुन्ने को भी खिला दो। नहीं नहीं चिड़िया, मैं ये दाना नहीं खा सकता, आपने इसे बड़ी मेहनत से जमा किया है, अगर हम आपका सारा दाना खत्म कर देंगे तो आप क्या खाओगी? ओहो कबूतर, अब चिड़िया के घोंसले में रुके हैं तो दाना भी यहीं खाएंगे, इस तेज तूफान बारिश में अपना दाना तो खोज नहीं सकते। गोरी आपने सही कहा, इस खराब मौसम में दाना तो हम नहीं खोज सकते, परंतु चिड़िया ने हमें अपने घर में रखा, ये क्या कम है जो उसका भोजन खत्म करके उसकी समस्या और बढ़ा दें। अब जैसी भी आपकी इच्छा, अब हमने तो भोजन खा लिया है। चिड़िया के घोंसले में रहना कालू गोरी को तो बहुत पसंद था, वो चिड़िया का भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन कबूतर को तो चिंता हो रही थी क्योंकि अब चिड़िया का घोंसला भी हिलने लगा था। चिड़िया बहन, मुझे लगता है आपका घोंसला हम सबके वजन को नहीं झेल पा रहा, घोंसला हिल रहा है, मुझे तो डर है कहीं ये भी टूट ना जाए। कबूतर भैया,
माँ, अब इसका कोई उपाय बताओ, वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसका एक ही उपाय है, मैं मुन्ने को लेकर घोंसले से बाहर जाता हूँ, फिर शायद वजन कम होने से घोंसला ना टूटे। नहीं कबूतर भैया, आपके साथ छोटा बच्चा है, ऐसे में आप कहाँ जाओगे? मैं कालू भैया को जगा देती हूँ, वो ही घोंसले से बाहर चले जाएंगे। नहीं चिड़िया, रहने दो, ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मैं ही चला जाता हूँ और कहीं अपना ठिकाना खोज लूंगा। ये कहकर कबूतर अपने बेटे को उठाता है और घोंसले से बाहर चला जाता है। देर रात भी हो जाती है, तूफान का आना और भी तेज होता जा रहा था। ये कालू गोरी तो जब से आए हैं तब से सोए ही जा रहे हैं, इनको जरा भी फिक्र नहीं है कि मेरा घोंसला भी हिलने लगा है। ऐसे सोचते हुए चिड़िया तूफान के रुकने का इंतजार करते हुए सो जाती है और तभी जोरदार तूफान आ जाता है और चिड़िया का घोंसला भी तिनके तिनके में बिखर जाता है। वो सब जमीन पर आकर गिर जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, हम सब जमीन पर कैसे गिरे? गोरी, चिड़िया का मजबूत घर भी टूट गया है और हम सब जमीन पर गिरे हैं। हे भगवान, अगर मैं नहीं सोती तो मेरा अंडा भी नहीं फूटता। मेरी गलती के कारण मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। चलो कालू जी, हम किसी और पक्षी के घर चलते हैं, अब यहाँ रहकर क्या करें? ये कहकर कालू गोरी तो वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया तो अपने फूटे अंडे को देखकर रो रही थी के तभी वहाँ पर कबूतर आता है। उसके सर पर बांस का गट्ठर रखा था। चिड़िया बहन, रोना बंद करो, मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है इस तेज तूफान में और मैं जानता था कि आपका घोंसला भी टूट जाएगा, इसलिए मैं ये बांस लेने गया था दूर के जंगलों में। लेकिन कबूतर भैया, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलती और अपना घर भी बांस का बना लेती। अरे चिड़िया, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपको अपने अंडे के पास रहने की ज्यादा जरूरत थी और ये बांस तो मैं आपके लिए भी लाया हूँ, सबसे पहले आपका ही घर बनेगा। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया और कबूतर बांस का घर बनाना शुरू करते हैं। काफी देर के बाद उनका बांस घर बनकर तैयार हो जाता है। चलो कबूतर भैया, अब हम बांस के घर के अंदर जाते हैं क्योंकि तेज तूफान के आने की संभावना बढ़ रही है। चिड़िया, अगर दोबारा से कालू और गोरी आपसे मदद मांगने आए तो साफ इनकार कर देना, उन्हें भी तो पता चले कि मुसीबत के समय में दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे वो दोनों आपको मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। हाँ कबूतर भैया, वो दोनों तो बहुत बुरे हैं, घोंसला टूटने पर मुझे अकेला छोड़कर चले गए, अब मैं भी उनको बांस घर में नहीं आने दूंगी। ऐसे बातें कर वो तीनों अपने नए बांस घर में चले जाते हैं और बिना तूफान के डर से बांस घर में रहते हैं।